फिनॉल ईथर में पहली हेडिंग होती है अल्कोहल और फिनॉल का क्लासिफिकेशन, व्हाट आर अल्कोहल व्हाट आर फिनॉल, ये आपको समझ में आ गया होगा। अल्कोहल्स बच्चों क्या होते हैं, एल्केन में यानी एलिफेटिक केमिस्ट्री में एच हटके ओ एच आ जाए तो अल्कोहल है। फिनॉल क्या है, बेंजीन का या किसी एरोमेटिक का एच हटके ओ एच आएगा डायरेक्टली तो फिनॉल है। ठीक है, तो बेंजीन से जब डायरेक्टली ओ एच लगा हो तो फिनॉल, और अगर एल्केन या हाइड्रोकार्बन जिसे हम कहते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन ओपन चेन एलिफेटिक केमिस्ट्री में अगर ओ एच लगा है तो वो कहलाएगा अल्कोहल। दूसरा अंतर या दूसरा हमने पढ़ा था दैट इज क्लासिफिकेशन। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, डाइहाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक। बेटा मोनोहाइड्रिक कौन से हैं, जिसमें एक ओ एच हो, डाइहाइड्रिक दो, पॉलीहाइड्रिक दो से ज्यादा, ट्राई, ये सब क्लियर है। मोनोहाइड्रिक में इथेनॉल आ जाएगा, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। डाइहाइड्रिक में इथाइलीन ग्लाइकॉल आएगा, इंपॉर्टेंट था, एंटी फ्रीज है। ट्राईहाइड्रिक में ग्लिसरॉल आएगा। ऐसे एरोमेटिक में मोनोहाइड्रिक में फिनॉल आएगा, डाइहाइड्रिक में कैटिकॉल आएगा और ट्राईहाइड्रिक में रिसोर्सिनॉल आता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा वन डिग्री अल्कोहल क्या है, टू डिग्री क्या है, थ्री डिग्री क्या है, क्लियर है। वन डिग्री अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी कार्बन से ओ एच जुड़ा हो तो वन डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से ओ एच लगा है टू डिग्री अल्कोहल, और टर्शरी कार्बन से ओ एच लगा है तो थ्री डिग्री। फिर हमने नेक्स्ट हेडिंग पढ़ी थी कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन से भी अल्कोहल देख सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ओ एच जुड़ा हो। ठीक है, कभी कभी sp2 हाइब्रिडाइज से भी ओ एच जुड़ा हो सकता है डबल बॉन्डेड कार्बन से। इसमें मेन जो हमने मेन पॉइंट पढ़ा था वो था एलाइल ग्रुप क्या है। एलाइल, बेटा एलाइल क्या है, याद आया कि डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, और इस पे अगर OH लगा हो तो ये एलाइल अल्कोहल है। डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन को एलाइल कार्बन, ये एलाइल वन डिग्री है, और यहां पे ही अगर एल्काइल लगते जाएंगे तो एलाइल टू डिग्री और थ्री डिग्री हो जाएगा। यहां इस समय ये कार्बन एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है इसलिए वन डिग्री है। और दूसरा हमने इसमें पढ़ा था कि अगर बेंजीन के अगले कार्बन पे OH लगा हो तो ये वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है, और ये ग्रुप बेंजाइलिक या ये कहे बेंजाइल अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, तो एलाइल और बेंजाइल को स्पेशली याद रखना है, और ये बेंजाइल में वन डिग्री है। वन डिग्री क्यों, क्योंकि OH से पड़ोस वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन। बोलो क्लियर है। इसके बाद हमने एक दो वर्ड और देख लिए थे, जैसे अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH लगा हो तो इसे फिनाइल ग्रुप से OH कहते हैं, इसे फिनॉल कह सकते हैं, ये IUPAC में भी फिनॉल कहलाता है। लेकिन अगर बेंजीन से दो OH लगे हो तो आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाईऑल, मतलब अल्कोहल के लिए ऑल लगता है, इसे बेंजीन कहते हैं, 1,2 डाईऑल कहते हैं। क्लियर है, IUPAC में तो किसी को दिक्कत ही नहीं है। IUPAC में क्या करना है, इनके लिए ऑल लगाना है और IUPAC नेम लिख देंगे। सर रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होता ज्यादा, बेटा भी तो आएगा, वो बहुत आगे का पॉइंट है कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, ये आगे का पॉइंट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का, अभी नहीं। अब अगला पॉइंट ये आया कि अल्कोहल ROH जो ग्रुप है इसमें आइसोमर्स तो नहीं है। ठीक है, तो इनके आइसोमर्स हो सकते हैं। आपके लेवल पे दो अल्कोहल के आइसोमर इंपॉर्टेंट है, दो के खाली, एक आपके लेवल में इंपॉर्टेंट है C3H8O, इसके आइसोमर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है एक आध बारी। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये C4H10O, तो C4H10O जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके आइसोमर्स बना लीजिएगा, याद रखिएगा, मैं दोनों बता रहा हूं। बच्चों जब भी आपको एल्केन के फॉर्मूले में एक ऑक्सीजन दिखे, व्हाट इज द मीनिंग एल्केन का फॉर्मूला, एल्केन समझते हो ना, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, तो या तो अल्कोहल होगा या ईथर। तो ये वाले जो फॉर्मूले होंगे CnH2n+2O, इन फॉर्मूले से अल्कोहल और ईथर आइसोमर बनते हैं। तो बच्चों C3H8O, अब आप चेक करिए ये C3H8O दिख रहा है, ठीक है, C3H8O दिख रहा है, और इसको आप 1-propanol कह सकते हैं बच्चों, और ये भी C3H8O है, इसे IUPAC नेम में 2-propanol कह सकते हैं।
ये रहा पहला वाला वन प्रोपेनॉल और ये रहा टू प्रोपेनॉल, और ऑब्वियसली ईथर भी बन सकता है इसी फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले से एक ईथर ये बन सकता था CH3CH2OCH3। और ईथर की आईपीसी अगर आपको याद हो तो छोटे वाले के साथ ऑक्सीजन आ जाती है, तो ये आ गया मिथ ऑक्सी और ऑब्वियसली दो कार्बन की चेन ईथेन। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था, जैसे कि रिवाइज करा रहा हूं। तो ये वन प्रोपेनॉल टू प्रोपेनॉल और मिथ ऑक्सी ईथेन, ये आइसोमर हो गए C3H8O। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है C4H10O। डायरेक्ट याद कर लो C4H10O के 7 आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, C4H10O बच्चों से याद कर लीजिए, इसके 7 आइसोमर्स हैं, 7 में से बेटा 4 अल्कोहल हैं, 3 ईथर है, और कुछ बुक्स में 8 लिखे होंगे क्योंकि 4 अल्कोहल में से एक ऑप्टिकल एक्टिव भी है, इसीलिए वो कह देते हैं टोटल 8 हो गए। तो 7 आइसोमर्स कौन कौन से हैं इसमें, तो ये है बेटा CH3CH2CH2CH2OH, मतलब 4 कार्बन की चेन में OH है। इसे कॉमन और आईयूपीएसी दोनों भाषा में लिखना है। कॉमन भाषा में ये कहलाता है एन ब्यूटाइल अल्कोहल, और आईयूपीएसी भाषा में कहलाता है वन ब्यूटेनॉल। ठीक है बेटा, फॉलोड बाई ये है CH3CH2CH2CH2 या यहाँ OH लगाया है, तो बेटा 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है लेकिन सेकेंड पे OH लगा है, तो इसका कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम है 2-ब्यूटेनॉल। तो आईयूपीएसी नेम इज 2-ब्यूटेनॉल एंड कॉमन नेम इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सर आइसो नहीं कहेंगे इसको, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। हाँ बेटा, सॉरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज दिस और ये है, अभी आ रहा है, एक सेकेंड रुकिए। और बच्चों इस वाले में इस कार्बन को हम कहते हैं काइरल कार्बन, तो ये ध्यान रखना है कि जो 4 अल्कोहल मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें एक ही ऐसा है जो ऑप्टिकल एक्टिव है, जिसमें चिरल या काइरल कार्बन है, वो ये है। अब बच्चों इसका जो मैं तीसरा बना रहा हूं वो ये है CH3CH CH3। ध्यान देना सेकेंड कार्बन पे फिर CH3 है और अब यहाँ OH मैंने लगाया है। अगर ये ग्रुप कहीं होता है तो केमिस्ट्री में कॉमन लैंग्वेज में इसे आइसो कहते हैं, जबकि पिछले वाले में सेकेंड कार्बन पे मिथाइल नहीं था इसलिए पिछले वाले में आइसो नहीं कहा, और अब कहेंगे कॉमन भाषा में आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल और आईयूपीएसी लैंग्वेज में 2-मिथाइल प्रोपेनॉल या 1-प्रोपेनॉल, 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल। तो आईयूपीएसी लैंग्वेज में 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल और बेटा कॉमन लैंग्वेज में इसका नाम था आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। चौथा इसमें, चौथा जो है एग्जांपल वो ये है CH3C CH3 CH3 and OH, मतलब एक कार्बन से 3 CH3 लगे हैं और उसी कार्बन पे OH है, तो कॉमन लैंग्वेज में बच्चों ये कहलाता है टर्स या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और आईयूपीएसी लैंग्वेज में ये कहलाता है 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। तो ये आईयूपीएसी में 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल है और कॉमन लैंग्वेज में इसका नाम था टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये अल्कोहल की चारों वैरायटी बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लेवल पे अधिकतर इन्हीं चारों वैरायटी में से क्वेश्चन होता है। जब भी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आता है ना कि एक C4H10O है या और कोई, तो इन्हीं चारों में आपको आंसर उन क्वेश्चन में मिलेगा। मिटा दूं सारे लिख लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब इसी में 3 ईथर भी हैं इस फॉर्मूले के, तो मैं अब ईथर भी बता दे रहा हूं क्योंकि लिखे हैं हमने कि इसमें 4 अल्कोहल हैं इस फॉर्मूले से और 3 ईथर हैं। कौन कौन से 3 ईथर हैं बच्चों? एक हमने ईथर ये लिखा है जिसे हम सिमेट्रिकल ईथर कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, और इसका आईयूपीएसी नेम आ गया बेटा इथ ऑक्सी इथ एन, और कॉमन नेम में ये कहलाता है डाइथाइल ईथर।
अगर कॉमन लैंग्वेज में आप इसे कहना चाहेंगे तो आप डाइथाइल ईथर कह सकते हैं, लेकिन आईयूपीएसी नेम आपको देखना है इथॉक्सी इथेन। बेटा ये है अगला CH3। बेटा जब भी एक और दो, जब भी वन पे कोई चीज लगी होती है उसे नहीं भी बोला जाता तो वन अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ ईथर का जो इथॉक्सी ग्रुप है वो वन पे ही है, इसलिए पोजीशन इज नॉट मैंडेटरी कि वो अंडरस्टूड है, वन पे ही है। ठीक है, जैसे पहले भी बताया है कि अगर कोई पिक्चर का सीक्वल बनता है तो जो दोबारा बनती है उसमें लिखना जरूरी है कि भैया ये जुड़वा पार्ट टू है, और पहले वाले में अगर वन नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है वो वन ही है नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे तो ये तीन कार्बन की चेन है और इसका नाम लिखना है, और अगर आपने इसे मिथ ऑक्सी प्रोपेन लिखा है तो ये माना जाएगा ये वन मिथ ऑक्सी प्रोपेन ही है। यहाँ माना क्या जाएगा, यहाँ और कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ तो फिर भी एक पॉसिबिलिटी है कि टू मिथ ऑक्सी प्रोपेन तो नहीं है तो वन वन बोल देते हैं लोग, लेकिन यहाँ तो कुछ और है ही नहीं तो इथॉक्सी चलेगा। और अगर ये है जिसमें हमें नंबर दिखाने जरूरी हैं वो ये है कि ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, वो है तीन कार्बन की, और तीन कार्बन की चेन में जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पे ये आ रहा है, तो अब बोलना जरूरी है टू मिथ ऑक्सी प्रोपेन। अब बच्चे ये आंसर आएगा टू मिथ ऑक्सी प्रोपेन। बोलो बेटा सबके आईपीएसी क्लियर है, तो ये आइसोमर क्लियर है। तो अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं, दीज आर द ठीक है, वेरी नाइस। अब कोई डाउट, अब आ रहे हैं पहली हेडिंग पे बच्चों। हेडिंग लिखें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत इजी चैप्टर है ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने के क्या क्या तरीके हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है बच्चों, पहला मेथड हम एल्कीन से पढ़ते हैं जनरली, या अल्काइल हैलाइड से पढ़ते हैं, क्योंकि पिछला चैप्टर आपने अल्काइल हैलाइड पढ़ा होता है इसलिए, मतलब जो पीछे से आप कनेक्ट कर लें। ठीक है, तो अगर मैं अल्काइल हैलाइड की बात करूं, क्योंकि आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है, तो अल्काइल हैलाइड से दो तरीके से अल्कोहल पढ़ा है, याद आया, या तो एक्वस KOH डाल देते थे KOH NaOH या मॉइस्ट Ag2O। तो पहला मेथड तो हमारा वही है, ठीक है, हेडिंग करके लिखेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, और फ्रॉम एल्काइल हैलाइड में A और B करके लिख लीजिएगा, दो तरीके हैं, क्योंकि बेटा पिछले मेथड में है इसलिए। बेटा माइक ऑफ करिए, किसी बच्चे का ऑन है, ठीक है, लिखें फ्रॉम एल्काइल हैलाइड में पहला मेथड by reacting alkyl halide with aqueous KOH, by reacting alkyl halide with aqueous KOH, बेटा alkyl halide की aqueous KOH से reaction करेंगे तो बनेगा, by reacting alkyl halide with aqueous KOH, और चाहे तो इसी में B भी इसी में involve कर देते हैं OR or by reacting alkyl halide with moist Ag2O, with moist Ag2O, clear है, both are very simple general methods, तो इसमें हम ज्यादा practice नहीं करेंगे। ये रहा हमारा general तरीका RH KOH aqueous giving you ROH and KX। I hope so आपको याद आ गया हो कि अगर moist अगर KOH aqueous की जगह alcoholic ले लेंगे तो ethene, वेरी गुड, तो एल्कीन होगा, क्योंकि तब वहां हो जाएगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तब हो जाएगी इलिमिनेशन रिएक्शन। तो पॉइंट क्या था, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस इलिमिनेशन चलता रहता है, और अगर न्यूक्लियोफाइल वीक होता है, जैसे वाटर के प्रेजेंस में ये वीक न्यूक्लियोफाइल है तो सब्स्टिट्यूशन होता है, और अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता है, जब यहाँ अल्कोहल आ जाता है तो ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग माना जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में इलिमिनेशन होके एल्कीन बनती है, क्लियर है। अब ये हुआ जनरलाइज एग्जांपल, या एक जनरल रिएक्शन हुई। एग्जांपल अगर हम कहें किसी एक को लेते हुए, तो ये हुआ इथाइल क्लोराइड KOH एक्वस, और ये हुआ इथाइल अल्कोहल। तो बच्चों दोनों तरीके से लिखने की कोशिश करिएगा, एक तरीका आपका
एकदम जनरलाइज इक्वेशन एक स्पेसिफिक किसी का नाम लिख के, जिससे आप ये बोलने की तरीका रखें कि इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल कैसे बना, मतलब कन्वर्जेंस में हेल्प मिलेगी कि इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल बनाने का ये तरीका था। ठीक है, दूसरी रिएक्शन आपने लिखी ली होगी और नहीं लिखी तो अब लिख लीजिए। ठीक है, ड्राई Ag2O वाली Rx प्लस ड्राई एज सॉरी मॉइस्ट Ag2O सॉरी ठीक है मॉइस्ट Ag2O ठीक है मॉइस्ट Ag2O को ब्रैकेट में कर दीजिए, वो हो जाता है AgOH और ये बना दीजिएगा ROH प्लस AgX, मॉइस्ट Ag2O में AgX। कॉमन सेंस है कि हम दूसरा वर्ड यहां रिवाइज करेंगे, भले लिखेंगे नहीं, कि अगर ड्राई Ag2O आता तो क्या होता, तो ईथर बनते। ठीक है, ड्राई Ag2O में ईथर बनते थे, मॉइस्ट Ag2O में अल्कोहल बनते हैं। ठीक है, पहला मेथड क्लियर है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल। सेकेंड मेथड, बच्चों फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम एल्कीन। बच्चों एल्कीन से अल्कोहल बनाने के चार अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग दो पे ही फोकस करेंगे, वही बहुत है। एल्कीन में पानी ऐड करके अल्कोहल बनता है, यानी बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होता है। एल्कीन में क्या ऐड करना है, वाटर। तो ये अगर मेरे पास एल्कीन है दैट इज प्रोपीन और मैंने इसकी डाइल्यूट H2SO4 से कर दी है, तो बेटा डाइल्यूट H2SO4 से डायरेक्ट वाटर का एडिशन होता है, मार्कोनी कॉफ रूल लगता है, एक तरफ H आता है एक तरफ OH, एंड इट इज अ कॉमन सेंस। मार्कोनी कॉफ में नेगेटिव पार्ट बेटा कहां जाएगा, विच हैज लेस हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहला तरीका आपका हो गया कि आप डाइल्यूट H2SO4 से करेंगे, अल्कोहल बने। अगर कहीं लिखा है कंसंट्रेट H2SO4, सुन लीजिए खाली, मैं उसको लिखाऊंगा नहीं, कि कंसंट्रेट H2SO4 अगर लेते हैं तो बेसिकली कंसंट्रेट H2SO4 में पहले स्टेप में ये प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, और ये जो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है इसे वाटर से बॉयल करना पड़ता है तो अल्कोहल बन जाते हैं। तो अगर आपने कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं तो अगला स्टेप दिखाना पड़ता है बॉइलिंग विद वाटर, तब अल्कोहल बनते हैं। दोनों तरीके एक ही हैं, बस दोनों का मैकेनिज्म अलग है। डाइल्यूट H2SO4 में डायरेक्ट वाटर जुड़ता है और कंसेंट्रेट H2SO4 में पहले H2SO4 का एडिशन होता है, एक तरफ H एक तरफ HSO4 और अगले स्टेप में, लेकिन दोनों सेम है, मतलब दोनों में ही मार्कोनी कॉफ से ही वाटर जुड़ता है, दोनों में ही स्टेबिलाईजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन भी होता है। तो एक तरीका ये है, डन। तो बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में आपने ये लिखना था, ठीक है, एल्कीन्स आर रिएक्टेड विद डाइल्यूट H2SO4, एल्कीन्स आर रिएक्टेड विद डाइल्यूट H2SO4, देन अल्कोहल्स आर ऑब्टेंड। जब एल्कीन को डाइल्यूट H2SO4 से करते हैं तो अल्कोहल मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, रिएक्शन टेक्स प्लेस बाई कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन एंड मार्कोनी कॉफ रूल। यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन एंड मार्कोनी कॉफ रूल। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा प्रोटीन क्यों दिखाया, इथीन से क्यों नहीं दिखाया। बेटा इथीन से मार्कोनी एंटी मार्कोनी का कोई सेंस नहीं रहता, सिमेट्रिकल हो जाती, तो अनसिमेट्रिकल दिखाने के लिए हमने यहाँ प्रोटीन लिया है, इसलिए इथीन नहीं लिया, मिटा दो। ठीक है, और कंसेंट्रेट H2SO4 का पॉइंट में लिखाता भी नहीं क्योंकि उसमें आना ही नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड है वो है HBO रिएक्शन, इसकी फुल फॉर्म है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। फिलहाल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO हो गया, अभी हम एल्कीन का कर रहे हैं तो ऑफ एल्कीन लिख सकते हैं, एल्काइन का करेंगे तो एल्काइन लिखेंगे, यहां एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बेटा इसमें क्या होता है, इसमें हमने एल्कीन लिया और इसकी रिएक्शन कर देते हैं डाइबोरेन से, किससे कर रहे हैं, B2H6, इट इज नोन एज डाइबोरेन। बच्चों डाइबोरेन से जब रिएक्शन करते हैं ना तो ये जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है ट्राई एल्काइल बोरॉन, ये ऐसे बन जाता है, ट्राई एल्काइल बोरॉन के दो मोल्स बन जाएंगे। ठीक है, ट्राई एल्काइल बोरॉन ये बन जाता है। ठीक,
और इस ट्राई एल्काइल बोरॉन की हाइड्रोलिसिस करते हैं, मैंने नीचे कर दिया है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करते हैं और वो भी H2O2 की प्रेजेंस में, H2O2 NaOH इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं, और हाइड्रोलिसिस करने पर OH यहाँ किनारे आके लग गया है और ये वापस B2H6 बन चुका है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बना है। तो बेटा यहाँ वैसे तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं लगा है, ठीक है, अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो एंटी मार्कोनिक ऑफ का मतलब होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन चलना, और यहाँ किसी भी स्टेप में भी फ्री रेडिकल नहीं बने हैं, तो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ तो नहीं है। बट सर रिपीट कर दीजिए सर, नेटवर्क चला गया था। हाँ बेटा सर रिपीट कर दीजिए। रिपीट तो हो गई, आप चिंता ना करो, और बाकी बेटा आप सोचो ना, अभी आप कह रहे हो कहीं फिर कोई और कहेगा तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है, रिपीट तो मैं अपने हिसाब से करूंगा ही बार बार, आप चिंता ना करें, ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एल्कीन का हम पढ़ रहे हैं, तो एल्कीन की रिएक्शन B2H6 से होती है, और B2H6 से होने के बाद पहला जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है ट्राई एल्काइल बोरॉन। ट्राई एल्काइल के बोरॉन की हाइड्रोलिसिस के कई तरीके हैं, ठीक है, हमारे बुक में एक ही तरीका दे रखा है, H2O2NaOH, मतलब बेसिक मीडियम और H2O2, एक एसिडिक मीडियम में भी टूटता है और भी मीडियम में, फिलहाल बेसिक मीडियम और परोक्साइड की प्रेजेंस में जब ये H2O2 की प्रेजेंस में वाटर टूटता है तो यहाँ यहाँ OH और इधर H आता है, और OH और H आने पे ये तो वापस B2H6 बन गया और ये अल्कोहल बन गया। और अगर हम इसको समराइज करके जब लिखेंगे तो इसको समराइज करके बच्चों ध्यान से देखना कि ये रहा एल्कीन, इसको समराइज करके कोई बच्चा लिखेगा तो ये लिख सकता है कि पहले स्टेप में B2H6, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में, ठीक है, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस और ये प्रोडक्ट। तो इसकी समरी को देखने के बाद याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं भैया, समरी को देखने के बाद क्या लग रहा है कि पानी का एडिशन हुआ है ओवरऑल, भाई बीच में कौन चला गया एच और किनारे कौन आ गया OH, तो समरी में देखने में ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल वाटर का एडिशन हुआ है, और जैसा एंटी मार्कोनी साहब कहते हैं वैसा लग रहा है, लग रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट मैं इसको क्यों ऐसे कह रहा हूं लग रहा है, ऐसा है, हो सकता है रीजन एसर्शन अगर आपके यहाँ आए, ठीक है, तो वो ये दे दें कि इसमें एंटी मार्कोनी कॉफ वाला प्रोडक्ट बनता है या वन प्रोटीन से या प्रोटीन से वन प्रोपेनॉल बनता है, और उसके बाद कह दें एसर्शन में रिएक्शन टेक प्लेस बाय एंटी मार्कोनी कॉफ, तो कई बच्चों को लगेगा दोनों बातें सही है। तो पहला पॉइंट तो सही है कि प्रोपीन से वन प्रोपेनॉल बनता है, लेकिन एंटी मार्कोनिक ऑफ वाली बात सही नहीं, ठीक। तो रीजन असर्शन के लिए बस इसकी तैयारी करनी है, बाकी आप ध्यान रख सकते हैं कि ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय एंटी मार्कोनिक ऑफ। तो अब कॉपी में आपके क्या आना चाहिए बेटा, आपकी कॉपी में पहला पॉइंट ये आना चाहिए कि एल्कीन ऑन रिएक्टिंग विद डाइबोरेन गिव्स ट्राई एल्काइल बोरॉन, ट्राई एल्काइल बोरॉन बनता है पहले, ट्राई एल्काइल बोरॉन विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्कोहल, जो हाइड्रोलिसिस पे अल्कोहल देता है, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम एंड H2O2 गिव्स अल्कोहल। दूसरा पॉइंट आपकी कॉपी में ये आना चाहिए कि ओवरऑल इट अपीयर्स एज, ओवरऑल हमें ऐसा लग रहा है, ओवरऑल इट अपीयर्स एज एडिशन ऑफ वॉटर बाई एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, ओवरऑल इट अपीयर्स एज एडिशन ऑफ वॉटर बाई एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, बट इट इज नॉट एंटी मार्कोनिक ऑफ, क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल नहीं बने, और क्योंकि परोक्साइड देखते ही हमें ऐसा लगता है कि भाई फ्री रेडिकल हुआ होगा, जो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एल्कीन से अल्कोहल, दो मेथड क्लियर हो गए आपको, दो मेथड कौन से हो गए, पहला एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे, दूसरा एल्कीन से कैसे बनेगा, ठीक है। थर्ड मेथड अल्कोहल बनाने का अगला मेथड है आपका एस्टर से, क्योंकि वो भी आप पढ़ चुके हो, इसलिए बेटा अगर आपको याद आ जाए ये कंपाउंड केमिस्ट्री में कहलाते हैं एस्टर, और एस्टर में अगर वाटर डाल दें एचआईएन की प्रेजेंस में तो ये एक एसिड बनता है और एक अल्कोहल बनता है, और इसी एस्टर में अगर आप NaOH से हाइड्रोलिस कराएंगे तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड और ये अल्कोहल बनेगा। फिलहाल
एस्टर की, चाहे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो चाहे एल्कलाइन, दोनों से क्या बन जाएंगे, अल्कोहल। और ये आपको कहां पढ़ाया है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया है। केमिकल काइनेटिक्स में इसे स्पेशली पढ़ाते हैं कि ये सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन था, कि मॉलिकुलरिटी तो दो थी लेकिन ऑर्डर एक ही था, ये सूडो यूनिमोलिकुलर थी। और दूसरी वाली रिएक्शन में अगर ये आर ग्रुप बड़ा हो, याद आया सरफेस केमिस्ट्री, RCONA, आर ग्रुप बड़ा हो तो ये बनेगा कहलाते हैं, तो ये रिएक्शन सेपोनिफिकेशन कहलाती है। तो कोशिश करिए बेटा जितने आप लिंक निकाल लेंगे कि इसको और कहां पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो चीज भी आपके तैयार हो जाएगी और ये भी लिंक से याद हो जाएगी। तो अगला मेथड हो गया बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और उसमें आपको लिखना है बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एसिड एंड अल्कोहल ऑब्टेन, और ब्रैकेट में सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस बेटा आप करेंगे बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एसिड एंड अल्कोहल ऑब्टेन एंड इट इज सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, ब्रैकेट में सूडो यूनिमोलिकुलर। सूडो यूनिमोलिकुलर याद आया बेटा, वो रिएक्शन जिसकी मॉलिकुलरिटी 2 या 2 से ज्यादा जबकि ऑर्डर 1 ही है, तो वो कहलाती है सूडो यूनिमोलिकुलर। और दूसरी है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, सोप्स आर फॉर्मड, रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज सेपोनिफिकेशन, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ब्रैकेट में सेपोनिफिकेशन। क्लियर है? देन नेक्स्ट बेटा, ठीक, तो आपने पहला मेथड पढ़ा एल्काइल हैलाइड, अगर याद हो उसमें भी दो तरीके थे, एक्वस KOH, मॉइस Ag2। दूसरा पढ़ा एल्कीन, उसमें भी दो तरीके थे, एक तो डाइल्यूट H2SO4 यानी मार्कोनिकॉफ, और कहने के लिए एक HBO एंटी मार्कोनिकॉफ। एक पढ़ा आपने एस्टर से, उसमें भी दो तरीके हैं, कौन से दो तरीके हैं एस्टर से, या तो आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे या एल्कलाइन, बोलो क्लियर है? अगला मेथड बच्चों, अगला मेथड हम लिख रहे हैं रिडक्शन से, कि अगर हम रिड्यूस करें, रिडक्शन करें तो भी अल्कोहल बन सकते हैं। किसका रिडक्शन करेंगे, किसका रिडक्शन करेंगे, ठीक है बेटा, ये सीरीज है, इसको हम एल्केन कहना चाहते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी ये हाइड्रोकार्बन के हैं, ज्यादा अच्छा है। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज होके पहला जो प्रोडक्ट बनाते हैं जनरली वो अल्कोहल कहलाते हैं। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके जो बनाते हैं वो कहलाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चेन है, इसे ध्यान रखिए। और ऑब्वियसली एसिड का ऑक्सीडेशन अगर तुमने कर दिया तो CO2 एंड वाटर अब यूजुअली हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो ये एक चेन ध्यान रखिए। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, इस समय हमें अल्कोहल बनाना है, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो यहां से आएंगे, और अगर हम रिडक्शन की बात करेंगे तो यहां से या यहां से आएंगे। तो हम रिडक्शन किसका करें कि अल्कोहल बने, तो अल्कोहल बनाने के लिए या तो आप कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करिए या आप कार्बोक्सिलिक एसिड का करिए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों, ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये है कार्बोनिल कंपाउंड, तो आपको दिख ही रहा होगा इसमें ये जो कार्बन है ये किनारे का है, CHO ग्रुप, भाई पीछे चेन चल रही है, एकदम लास्ट ये टर्मिनल कार्बन है। और यहां जब मैं हाइड्रोजन ले जाके जोड़ूंगा, अब मैं इसे थोड़ा और ब्रेक करके दिखा रहा हूं, ये है, इसमें मैं हाइड्रोजन जोड़ूंगा डबल बॉन्ड हटा के, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो भैया ये OH इस कार्बन से लगा है और ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन, तो एल्डिहाइड का जब भी रिडक्शन करूंगा तो कौन से अल्कोहल मिलेंगे, प्राइमरी। और यही अगर कीटोन होते महाशय, यानी इससे दोनों तरफ एल्काइल लगे होते और यहां रिडक्शन किया जा रहा होता, तो यहां रिडक्शन करने पर ये कार्बन दो तरफ कार्बन जुड़ा है तो यहां कौन सा अल्कोहल बनता, बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से कौन सा अल्कोहल बनेगा, बेवकूफ, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यही, ठीक है तो यही एसिड है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में इसे हटाना भी होगा और एच भी लगाने होंगे, तो भैया बनेगा तो जेई, कौन बनेगा, 1 डिग्री।
अरे यार, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब पहला रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, और क्योंकि किनारे है, किनारे एल्डिहाइड कहलाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी, इस मेथड से टर्शियरी अल्कोहल नहीं बनते। बोलो क्लियर हुआ क्या कह रहे हैं? अब पॉइंट क्या आया भाई, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? बेटा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो यही वाली चीज जरा ध्यान रखिएगा, वो सारी चीजें जो ऑक्सीजन देती हैं अपने पास से, नेसेंट ऑक्सीजन या ऑक्सीजन, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो अपने पास से हाइड्रोजन देंगे इन जनरल, वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई हाइड्रोजन दे रहा है अपने पास से तो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन दे रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग। तो एक कॉमन सेंस हो गया कि किसी ने पूछा KMnO4 कौन सा एजेंट है, ठीक है, तो एक कॉमन सेंस हो गया भाई KMnO4 में ऑक्सीजन ही तो ज्यादा है, टूटेगा ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर किसी ने कहा LiAlH4 क्या है, NaBH4 क्या है, हाइड्रोजन इन निकिल क्या है, जिंक इन HCl क्या है, या सोडियम इन इथाइल अल्कोहल, तो जरा सा कॉम्बिनेशन पे गौर करो तो हर कॉम्बिनेशन में हाइड्रोजन निकलती हुई दिखेगी, कि सोडियम इन इथाइल अल्कोहल तो C2H5ONa बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगी, जिंक एंड HCl ZnCl2 बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगी। तो जहां जहां रिएक्शन के तुरंत बाद हाइड्रोजन निकल आए, दैट इज कॉल्ड एज नेसेंट। नेसेंट का मतलब तो समझते हो ना, न्यूली बॉर्न हाईली एक्टिव, वो जो न्यूली बॉर्न और हाईली एक्टिव हाइड्रोजन है वो नेसेंट कहलाएगी, एंड इट इज मच मोर रिएक्टिव। ठीक है, मतलब मोर रिएक्टिव क्यों है? एक तो वो एटॉमिक फॉर्म में होती है, मॉलिक्यूलर में चेंज नहीं होती, इसलिए रिएक्टिव, और दूसरा उसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। ठीक है, मतलब इसे एग्जाम्पल से ऐसे समझें कि लेट सपोज आप कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, और आखिरी गेंद पे लेट सपोज 4 रन चाहिए जीतने के लिए, ठीक है, और आपके बैट्समैन ने या आपने आखिरी गेंद पे 6 मार दिया, फिर तो उस मोमेंट एकदम जैसे ही 6 पड़ेगा, उस मोमेंट पे जो आपकी हरकतें होंगी ना, वो वाली क्या है, वो नेसेंट हाइड्रोजन वाली हरकतें, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन एकदम जो होगा, 4 दिन बाद वही मैच देखोगे तो उतना एक्साइटमेंट या वो नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप बॉलर थे, आपके सामने वाले को आखिरी गेंद 6 रन चाहिए थे और आपने उस गेंद से आउट कर दिया, और जैसे ही वो आउट होगा, वो जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, वो जो तुम्हारे अंदर से हरकतें निकल के आ रही हैं, वो किसकी आ रही है? नेसेंट वाली आ रही है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन वो चीजें मोर रिएक्टिव फॉर्म में होती हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिडक्शन, तो हमारे दिमाग में होने चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों जरा ये ध्यान रखना, एक रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4, एक है NaBH4। इन दोनों भाइयों में, LiAlH4 और NaBH4 में समानता क्या है? ये दोनों भाई डबल बॉन्ड के लिए काम नहीं करते, दे डू नॉट रिड्यूस ओलिफिनिक लिंकेज। ये डबल बॉन्ड कहीं बना है तो बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो NaBH4 है, इसके नखरे बहुत ज्यादा हैं, ये NaBH4 अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का मतलब COH ग्रुप, COR ग्रुप, स्पेशली एस्टर, तो NaBH4 इस एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, LiAlH4 एस्टर को रिड्यूस करता है। ये यहीं पे दे रखा है NCERT ने, इसलिए मुझे लिखाना पड़ रहा है। तो यहां पे मैंने अगर ये लिखा है एल्कीन, एल्कीन यानी ओलिफिनिक लिंकेज, ये दोनों ही एल्कीन को एल्केन में चेंज नहीं करते। LiAlH4 एल्यूमिनियम जिसमें है वो महंगा रिएजेंट है, तो इसकी कुछ क्वालिटी अच्छी है, तो ये एस्टर को अल्कोहल में चेंज कर देगा या कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में चेंज करेगा, NaBH4 ये काम नहीं करेगा, ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं हमारे, जैसे बेटा जिंक एंड HCl है, हाइड्रोजन इन निकिल है, ठीक है, हाइड्रोजन इन निकिल है, तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करें और एस्टर को या कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में भी चेंज करते हैं, तो ये इसमें चेंज करेंगे, डबल को सिंगल में चेंज करेंगे। बोलो क्लियर है, डन। एक आज का नाम भी है किसी रिएजेंट का, लेकिन अभी एकदम क्लिक नहीं कर रहा, चलिए मिटाऊंगी इसे यहाँ पे, ये लिख लिया आपने, ये याद रखना है, लिख लिया। अब बच्चों यहाँ पे ये था एस्टर या कार्बोनिल ग्रुप, आप लिख सकते हैं
एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन एंड निकल गिव्स प्राइमरी अल्कोहल व्हाइल कीटोन्स ऑन रिडक्शन व्हाइल कीटोन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे ये लिखा है मैंने एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में बेटा मैंने पास कर दिया हाइड्रोजन और एरो पे लिख दिया निकल, एक एक एच दोनों पे आके जुड़ गया और ये बन गया बच्चे अल्कोहल, ठीक है, और ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। और ये लिखा है कीटोन व्हाटएवर, ठीक है, हाइड्रोजन एंड निकल, और ये बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। एच ऊपर लिखे नीचे लिखे फिलहाल कोई हम इतना ज्यादा प्रिसाइज नहीं हो रहे, ठीक है, ये आ गया अल्कोहल। ठीक, अगर हमने ये जैसे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया है, ये रिएजेंट लिया यहां पे OCH3 और यहां कहीं उसने CHO समथिंग ये लिया है और उन्होंने कहा इसकी रिएक्शन बेटा बताओ NaBH4 से क्या बनेगी। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन था, ये साइक्लोहेक्सेन है, NaBH4 से कहा है बताइए क्या होगा। ठीक है, हम थोड़ा क्वेश्चन को और इम्प्रोवाइज कर दे रहे हैं, हम यहाँ एक जगह डबल बॉन्ड भी लगा ले रहे हैं और हम कह रहे हैं अब बताओ क्या बनेगा। तो अभी जो आपने पढ़ाई की है उस हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए, ना तो डबल बॉन्ड ना ही एस्टर, ठीक है, ना तो डबल बॉन्ड ना ही एस्टर, ये NaBH4 से अफेक्टेड नहीं है। लेकिन ये जो एल्डिहाइड है तो ये एल्डिहाइड काहे में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल। इज इट क्लियर? तो NaBH4 कहने के लिए एक वीक एजेंट आप मान सकते हैं, ये किस किस को रिड्यूस नहीं करता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा और किसे रिड्यूस नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन अल्कोहल को रिड्यूस करता है। इज इट क्लियर? मतलब कार्बोनिल को अल्कोहल में चेंज करता है, कार्बोनिल। कोई डाउट? रिडक्शन क्लियर है? ठीक, ठीक है, नेक्स्ट मेथड बोले बेटा। अगला मेथड है जो कि आप एक आध बारी पढ़ भी चुके हैं और याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जो आप पढ़ चुके हैं मुझे लग रहा है मैं वो की बात कर रहा हूं। अगर ये रिएक्शन याद नहीं आती पढ़ने के बाद भी, अगर आपने अमीन्स लिए, अमीन नाम ही अमीन है, अमीन से अल्कोहल कैसे बनेगी और पढ़ चुके हैं, अमीन से अल्कोहल आप पढ़ चुके हैं लेकिन याद ही ना आती क्योंकि नाम ही अमीन है। चलिए पहले यहां जिससे बैठे हैं इनको देखें। हाँ भैया, अमीन जैसे आपके पास है CH3CH2NH2 इथाइल अमीन, इथाइल अल्कोहल बनाना है, कैसे बनाए? फिर बेटा डाइजोटाइजेशन, चलो आप थोड़ा बहुत तो ट्रैक पे हो, बट डाइजोटाइजेशन तो एरोमेटिक में होता है 0 to 5 डिग्री, लेकिन थोड़ा ट्रैक पे हो। हाँ बेटा नेक्स्ट हो, बोलो। अमीन से अल्कोहल, हाँ हमें तो रिवाइज ही नहीं है, हम तुम्हारी तरफ देख ही नहीं रहे, हम तुम्हें जानते ही नहीं, हमें आता ही नहीं कुछ। हटो, हाँ भाई हद हो गई, बोलो बेटा अमीन से अल्कोहल, बोलो बेटा। सर HNO2। एक मिनट, एक मिनट, हाँ बेटा सही है, वेरी गुड, आवाज आ रही है तुम्हारे तक? अच्छा नहीं अभी एक बच्चे ने, हाँ मानस बेटा बोलिए। सर मानस बोलो, हाँ एक ही बात है, HNO2 is HONO, वेरी गुड बेटा, डाइजोटाइजेशन नाम नहीं है लेकिन है वो ही रिएक्शन, ठीक है आप सही थे। ये है अमीन RNH2 और इसकी रिएक्शन HNO2 से करें और HNO2 तो एग्जिस्ट करता ही, अनस्टेबल एसिड है, नाइट्रस एसिड, तो ये इसकी जगह हम ले लेते हैं सोडियम का नाइट्राइट एंड HCl, ये दोनों मिलके इन सिचू HNO2 बनाएंगे और उससे रिएक्ट करेंगे। एंड बेटा ऑब्वियसली इसमें भी पहले ये बनना चाहिए RN2 पॉजिटिव यानी डाइजोनियम सॉल्ट, बट इसका डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल है क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं है और क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट इसका अनस्टेबल है तो अगले स्टेप में ये चेंज हो जाएगा अल्कोहल में, अलग हो जाएगा नाइट्रोजन एंड वाटर। तो क्या है पॉइंट जरा ध्यान से देखें, ऐसे ये है RNH2 रेक्टिफिकेशन, HONO जिसे कहते हैं या जो नाइट्रस एसिड हमने ऐसे लिख लिया और हमने कहा ये ऐसे याद कर लो भैया, ये और ये बन जाएगा अल्कोहल।
बट इस रिएक्शन की खासियत है कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन जब भी बनता है तो स्टेबलाइज भी होता है। तो अगर 1-butanamine से अल्कोहल बनाओगे तो 2-butanol बनेगा 1, ठीक है। तो ये इसमें एक एक्सेप्शनल पॉइंट है। तो ये रिएक्शन याद नहीं आती है, थोड़ा याद कर लीजिएगा ढंग से, लिखें when primary aliphatic amine, इसमें एलिफेटिक वर्ड जोड़ना जरूरी है, when primary aliphatic amines reacted with nitrous acid, when primary aliphatic amines reacted with nitrous acid or NaNO2 and HCl, when primary aliphatic amine reacted with nitrous acid or NaNO2 and HCl, then primary aliphatic amine reacted with nitrous acid, NaNO2 and HCl, then alcohols are obtained. ठीक है बेटा, अल्कोहल बनते हैं और इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, ये लिख लीजिए, कॉम्पिटिशन का फेवरेट क्वेश्चन है, कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट। इससे क्वेश्चन जो बनता है वो ऐसे कि 1-butanamine है, तो 1-butanamine की नाइट्रस एसिड से क्या बनेगा, तो आंसर जो आता है वो 2-butanol आता है, 1 नहीं। तो 2-butanol क्यों आता है, क्योंकि पहले 1-degree कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि कम स्टेबल है, फिर वो 2-degree में चेंज होगा, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, फिर अल्कोहल बनाना है। बोलो क्लियर है नाइट्रस एसिड से रिएक्शन, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन की नाइट्रस एसिड से करेंगे तो ये है, बाई चांस सेकेंडरी अमीन की नाइट्रस एसिड से कर दिया, ऐसे ही बता रहा हूं, अभी जरूरत नहीं है, बस सुन लो आप बेटा, ये है सेकेंडरी अमीन R2NH, अगर इसकी नाइट्रस एसिड से करते हैं ना तो ये वॉटर निकल जाता है, और वॉटर निकलने के बाद R2NNO बनता है। बच्चों NO को केमिस्ट्री में नाइट्रोसो ग्रुप कहते हैं, तो ये नाइट्रोसो अमीन बन गया, तो सेकेंडरी अमीन से बनते हैं नाइट्रोसो अमीन, और ये नाइट्रोसो अमीन ना येलो ऑयली लिक्विड है, ठीक है, तो येलो ऑयली लिक्विड बन गया, मतलब पहचान में आ गया, मतलब सेकेंडरी अमीन को हमें पहचानना है या डिस्टिंग्विश करना है, दो बीकर में अमीन रखी है, एक में प्राइमरी एक में सेकेंडरी, तो जिसमें नाइट्रस एसिड डालने के बाद येलो कलर आने लगे, ऑयली सा प्रोडक्ट बनने लगे, वो सेकेंडरी अमीन है, और जिसमें अल्कोहल की तरफ रिएक्शन होने लगे, मतलब कलर ना आ रहा हो, अल्कोहल बन रहा हो, नाइट्रोजन गैस निकल रही हो, वो प्राइमरी अमीन होगा। तो इस रिएक्शन का यूज कर लेते हैं 1-degree और 2-degree को, स्पेशली 2-degree को पहचानने के लिए, क्योंकि 2-degree में कलर्ड कंपाउंड दे रहा है, ठीक है। तो ये बस सबकॉन्शियस में रखिएगा, अभी नोट करके लिख लीजिए, अमीन चैप्टर में दोबारा आएगा ही आएगा, कि सेकेंडरी अमीन विद नाइट्रस एसिड गिव येलो ऑयली नाइट्रोसो अमीन, येलो ऑयली नाइट्रोसो अमीन, सेकेंडरी अमीन विद नाइट्रस एसिड गिव येलो ऑयली नाइट्रोसो अमीन, सेकेंडरी अमीन विद नाइट्रस एसिड गिव येलो ऑयली नाइट्रोसो अमीन। डन, टाइम, ठीक है। तो भैया ये हो गए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब जो मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक बचता है, दैट इज विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला तरीका हम कल देखेंगे, ठीक है, यहां तक आप याद करिए, कल हम देखेंगे।